जो इंटरेक्शन है उसमें क्या होता है एक स्पीशीज को बेनिफिट होता है और दूसरी स्पीशीज को हार्म होता है ठीक है जो है जो कंपटीशन उसमें दोनों स्पीशीज स्पीशीज को हमारी हार्म होता है ठीक है 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 ठीक तो पैरासिटिज्म में क्या रहता है? दो जो इन्वॉल्व उनमें से एक होगा हमारा होस्ट ऑर्गेनिज्म और दूसरा होगा पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म ठीक है तो ये जो पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म है ये अपने होस्ट पर फुली या पार्शियली डिपेंडेंट होगा फॉर फूड न्यूट्रिशन एक्सेट्रा एंड शेल्टर और कॉम्पिटिशन में दो तो उनमें क्या रहता है फॉर फूड शेल्टर ओके सो इससे क्या रहता है बेसिकली यहाँ पर अब कुछ कॉमन सी कोई रिसोर्स है अब दो स्पीशीज जो है उसके लिए फाइट कर रहे हैं तो क्या होगा गाईस? कि एक ऐसी होगी जो फ्लरिश करेगी और दूसरी स्पीशीज कैसी होगी जो कि क्या होगी वहां से एलिमिनेट हो जाएगी उस एरिया से ठीक है तो ये नेगेटिव नेगेटिव इंट्रेक्शन इसलिए है क्योंकि उन दोनों में से कोई भी स्पीशीज वहाँ से एलिमिनेट हो सकती है ठीक है तो दोनों के लिए ये हार्मफुल है तो अब यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें अगर हम तो पैरासिटिक का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं जैसे कि लाइस ऑन ह्यूमन ठीक है तो ये पैरासाइट है ठीक है ये कैसा पैरासाइट है ये एक्टो पैरासाइट है क्योंकि ये कहाँ बॉडी के बाहर पाया जाता है जो लाइस रहती है ह्यूमन के हेड में ठीक है ऐसी एंडो पैरासाइट भी होते हैं जो कि बॉडी के अंदर पाए जाते हैं जहाँ कहाँ पे लिवर किडनी एक्सेक्ट्रा अब हम कॉम्पिटिशन का एग्जाम्पल लें तो कॉम्पिटिशन का जैसे एग्जाम्पल लेते हैं साउथ अमेरिकन जो लेक है ठीक है अब वहाँ पर जो विजिटिंग फ्लेमिंगो हैं एंड जो वहाँ की फिशेज है उस लेक में उनका जो कॉमन फूड है वो क्या है जू प्लैक्ट तो इसके लिए दोनों कॉम्पिटिट करती है अब ये जो कॉम्पिटिशन है जरूरी नहीं है कि सेम स्पीशीज के बीच में मतलब रिलेटेड स्पीशीज के बीच में ठीक है अनरिलेटेड स्पीशीज के बीच में भी हो सकता है ठीक है तो हम इसको क्या बोलते हैं इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन बोलते हैं ठीक है तो जैसे कि ये अब फ्लैमिंग एंड फिश दोनों अनरिलेटेड है ठीक है लेकिन जू के लिए ये कॉम्पिटिट कर रहे हैं ठीक है तो एग्जाम्पल हो गया अब इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है ये नेगेटिव इंटरेक्शन है ठीक है ये इन दोनों के बीच का कॉमन कैरेक्टर है मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है एक ना एक स्पीशीज को हार्म ही हो रहा है तो इस टाइप के इंटरेक्शन को हम क्या बोलते हैं नेगेटिव इंटरेक्शन तो ये दोनों का कॉमन कैरेक्टर है थैंक यू क्लास सिक्स से लेकर नीट आई आई टी चाहिए मीनस और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेटा या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर